हाय एवरीवन, माय नेम इज सूरज एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिपो गाइड। दोस्तों आज मैं आया हूँ दिल्ली के कुतुब मीनार पर, और यहाँ पर आने की कहानी थोड़ी सी लंबी भी है और थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि मैं आज सुबह भी आने वाला था, घर से निकला, बारिश में फंस गया। तो आज सैटरडे है, सुबह सुबह सोचा था कि मॉर्निंग होने से पहले निकल जाएंगे, सनराइज़ होने से पहले, लेकिन सुबह से बारिश हो रही है। लगभग 40 मिनट से वेट कर रहा हूँ और अभी भी बारिश लगातार होती जा रही है। फिर अब दोबारा अटैम्प्ट कर रहा हूँ। एक दिन पहले भी मैं दो तीन दिन पहले भी यहाँ पर आया था, वीडियो बनाया, बट वो इतना अच्छा बन के नहीं आ पाया। उस दिन मेरी तबीयत भी शायद थोड़ी सी ख़राब हो गई, तो उस दिन भी वीडियो नहीं बन पाया। और कमेंट भी लगातार कुतुब मीनार के आ रहे हैं कि लोग और भी लोग जो वीडियोस देख रहे हैं दिल्ली की, वो लोग कह रहे हैं कुतुब मीनार का वीडियो बनाओ। तो फाइनली आज कुतुब मीनार पर मैं आ गया हूँ, तो होपफुली मैं आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ वीडियो भी दिखा पाऊँगा कुतुब मीनार का, और आप इन्जॉय कर पाएंगे। मौसम भी अच्छा है, होपफुली वीडियो अच्छा बन के आए। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली के एरिया में पड़ता है। कुतुब मीनार दिल्ली के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से आता है। कुतुब मीनार का निर्माण 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में हुआ था, जो दिल्ली सल्तनत के पहले रूलर थे। दोस्तों अगर टिकट की बात करें, तो अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं कुतुब मीनार की, तो आपको प्राइस पड़ती है 35 रुपीज़ की। अगर आप काउंटर से टिकट लेते हैं तो आपको पड़ता है प्राइस 40 रुपीज़। तो 5 रुपये बचाना चाहते हैं तो ऑनलाइन टिकट बुक कर लीजिएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो वहाँ पर जाकर टिकट बुक कर लीजिएगा। यहाँ पे आने की बात करें तो आना काफ़ी ईजी है, सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार का ही, वहाँ से आप ऑटो लेके आ सकते हैं। 30-40 रुपीज़ का प्राइस है ऑटो का, या वॉक करके भी आ सकते हैं। डिस्टेंस मैं नीचे स्क्रीन पर दे दूँगा, आप वो देख लीजिएगा। तो आने और टिकट की दोनों बातें हो गई हैं, लेट्स वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कुतुब मीनार में एंट्री करते ही दाहिनी तरफ आता है सराय। सराय को यात्री लोग आराम करने के लिए इस्तेमाल करते थे। दोस्तों ये है अलाई मीनार, अलाउद्दीन खिलजी के नाम पे रखा गया है इस मीनार का नाम। सो दोस्तों ये वो जगह है, अब यहाँ से हमें कुतुब मीनार भी दिख रहा है। और अगर आपको याद हो, अगर आपने वो गाना सुना हो चांद सिफारिश, फना फिल्म से आमिर खान का चांद सिफारिश, अगर गाना सुना हो आपने, तो उसका भी यहाँ पे वीडियो शूट हुआ है। काफ़ी चीज़ें आपको सिमिलैरिटी मिल जाएंगी। कुतुब मीनार लाल पत्थर और संगमरमर से बना हुआ है। इसकी ऊंचाई है 72.5 मीटर और इसका बेस का डायमीटर है 14.3 मीटर। कुतुब मीनार के अंदर 369 सीढ़ियां बनाई गई हैं। एक जमाने में यहाँ पर अंदर जाना भी अलाउड था, लेकिन एक दुर्घटना के कारण इसके अंदर जाना बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो
फिर से थोड़ी ड्रिजलिंग सी होने लगी है, कैमरे की थोड़ी घबराहट थी तो मैं थोड़ा शेड में आ गया हूँ, पिलर्स के बिल्कुल बगल में, कुतुब मीनार बिल्कुल साइड में। थोड़ी और बारिश अगर तेज़ से हुई तो कुछ अच्छे वीडियोज़ शॉट्स मिलेंगे, अच्छे से और पिक्चर्स मिल सकते हैं, बट अभी के लिए हल्की ड्रिजलिंग का मज़ा ले रहे हैं। आप वीडियो को आगे देखिए। कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स के बीचों बीच है आयरन पिलर, जिसकी ऊंचाई है 23 फीट 8 इंचेस और डायमीटर है 16 इंचेस का। इसको बनाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। आयरन पिलर होने के बावजूद भी इतने सालों पर इस धातु पर अभी तक जंग नहीं लगा है, जो कि उस समय के विज्ञान की जटिलता को बताता है। इस पिलर की वजन की बात करें तो वो है लगभग 3 टन। इतना भारी पिलर होने के बावजूद भी इस पिलर को कहीं और से ट्रांसपोर्ट कर यहाँ पे लाया गया था। दोस्तों, कुतुब मीनार के एक साइड में मॉन्यूमेंट है और एक साइड में ग्रीन तरफ और एक तरफ है ग्रीनरी टाइप पार्क, और उस तरफ जा रहे हैं मॉन्यूमेंट वाला साइड हमने देख लिया, जो भी मॉस्की उठा जो भी सारी चीज़ें थी, अब चल रहे हैं ग्रीन वाले पार्क की तरफ। लेट्स गो। तो कुतुब मीनार में को ऐसे कई सारे पॉइंट मिलेंगे जो कि बहुत ही अमेजिंग से हैं फोटोग्राफ के लिए, तो आपको ऐसे पॉइंट से तो पता होने चाहिए, या आप इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर सकते हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगा कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ पे आपको अच्छी पिक्चर्स मिल सकती हैं। तो पार्क की तरफ आ सकते हैं आप, और काफ़ी अच्छा ग्रीनरी वाला माहौल है, ऊपर चढ़ के देखते हैं, काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। देखते हैं ऊपर जाके क्या व्यू मिलता है। दोस्तों, अगर आप चाहो तो यहाँ पे गाइड की मदद भी ले सकते हो। गाइड के जो चार्जेस हैं वो 250 से शुरू हैं, 200, 250, 400 तक भी चार्ज कर रहे हैं, और उनकी ये यहाँ के ऑथराइज्ड गाइड होते हैं, तो आप उनसे बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। और अगर तो क्योंकि वीकेंड्स पे थोड़े से वो बार्गेन कम करते हैं, लेकिन वीकडेज पे वो थोड़े और सस्ते में आ जाते हैं, 150, 200 तक कर लेते हैं। तो आई थिंक वीकेंड पर, क्योंकि यहाँ अच्छा खासा भीड़ होती है, तो शायद वो आपको इतना डिस्काउंट ना दे, लेकिन वीकडेज पे आते तो अच्छा खासा डिस्काउंट दे सकते हैं। तो गाइड की मदद ले सकते हैं, गाइड की मदद से काफ़ी आपको हेल्प मिलती है, काफ़ी जो हिस्ट्री होती है गाइड की मदद से आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, काफ़ी आपको हिस्ट्री के बारे में मालूम पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ें भी उनको मालूम होती है। अब क्या होता है, जो अगर हम नॉर्मल अगर हम आते हैं तो हम क्या करते हैं, जो स्टोन पे लिखा है उतना ही हमें समझ में आता है थोड़ा बहुत और चीज़ें, बट क्या डेप्थ नॉलेज जो होती है वो गाइड को होती है चीज़ों के बारे में, तो वो आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे सकता है। कुतुब मीनार के इतिहास की बात करें तो इसमें पर्शियन, अरबी और नागरी के अंश देखने को मिलते हैं। कुतुब मीनार के चारों तरफ ग्रीनरी है, पार्क बना हुआ है जहां आप जा सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। कुतुब मीनार में कई सारे ऐसे आइकॉनिक स्पॉट हैं जहां पर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, अपने पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं।
वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के कारण इस मॉन्यूमेंट के अंदर आप ट्राइपॉड को नहीं ले जा सकते हैं। कुतुब मीनार का आप नाइट व्यू भी देख सकते हैं जो कि काफी मजेदार काफी इंटरेस्टिंग होता है। दोस्तों ये था कुतुब मीनार आपके लिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई, वीडियो दिखाई, क्या टिकट्स है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी। मैं होप करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अभी के लिए दिल्ली की कई सारी जगहों को हम कवर कर रहे हैं, तो अगर कोई स्पेशल जगह आप चाहते हैं कवर करना, इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं हम आपके लिए वीडियो बना के लाए ताकि आपको आइडिया लग जाए कैसी वो जगह है, तो डेफिनेटली आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमें जगहों के बारे में पूछ सकते हैं, हमें बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बी पार्ट ऑफ ट्रिपो गाइड। बहुत जल्दी आपके लिए नया वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए ट्रिपो गाइड को देखते रहिए। थैंक यू।